खाकान साहब ये बताएं कि आप ज़ाहिर है ये SIFC एक आम आदमी सुनता है तो कहता है पता नहीं ये क्या चीज़ है, क्या ऐसा फोरम बन गया है, तो एक आम व्यूवर को ज़रा आसान अल्फाज में बताइएगा कि ये जो फोरम बनाया गया है ये किस तरह से काम करेगा और वो क्या ऐसी चीज़ें थी जो पहले नहीं हो रही थी या जिस तरह से हमारे ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स और ये सारी चीज़ें जो कि अब ये फोरम उन रुकावटों को दूर करने में जो है वो अपना काम करेगा, किरदार अदा करेगा, इसकी ज़रा फंक्शनिंग आम व्यूवर को हमारे को समझा दीजिए कि क्या किस तरह से ये काम करेगा ये फोरम। सदीक, अगेन दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज देखिए ना, मैंने हमेशा कहा है पाकिस्तान में कि जो इम्प्लीमेंटेशन है वो मैटर ऑफ कोऑर्डिनेशन है। आपने देखा होगा पाकिस्तान में कई चीज़ें इसलिए नहीं होती हैं, वो पसे पुश चली जाती हैं, वो किसी फाइल का पार्ट बन जाती हैं, फिर उसमें होते हैं। अब इसके तीन टीयर्स हैं, एक तो एपेक्स कमेटी है जो वज़ीर आज़म जो भी होंगे वो इसको हेड करेंगे और उसमें आर्मी चीफ, फेडरल मिनिस्टर्स और की प्रोविंशियल मिनिस्टर्स होंगे। अब प्रोविंसेस का होना बहुत ज़रूरी है, वो क्यों ज़रूरी है, बिकॉज ज़रात सारी प्रोविंसेस के पास है, ज़रात इज़ अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट और ज़रात एक की एलिमेंट है इसका। अब आप आगे चलें तो एक एग्जीक्यूटिव कमेटी है इसकी SIFC की, वो हमारा जो प्लानिंग मिनिस्टर है वो उसको हेड करेगा और इसका नेशनल कोऑर्डिनेटर जो है वो आर्मी का मेरे ख्याल एक DG लेवल का इंसान होगा जो इसको करेगा और वो इंश्योर करेगा कि जो जो कुछ हो रहा है। सो एज आई सेड कि ये एक यहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा जोर दूंगा कि क्या वो कोऑर्डिनेशन कर पाएंगे इस सारी चीज़ की। और फिर इसकी एक इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है, यहाँ पे मैं जोर दूंगा जो मैंने शुरू में बात की थी कि इम्प्लीमेंटेशन के बाद अगर कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है या कोऑर्डिनेशन के बाद तो वो क्या प्रोफेशनल सेटअप है। अभी तक इसकी बात हो रही है कि कैसे PM होगा, अब DG आर्मी के होंगे और सेक्रेटरीज होंगे। मैं नहायत अदब के साथ ये सामने रखूँगा कि आई डोंट थिंक दैट्स गोइंग टू बी इनाफ। आई डोंट थिंक हैविंग प्राइवेट सेक्टर पीपल इज इवन गोइंग टू बी इनाफ। Really, either you equip BOI, either you BOI से मतलब है Board of Investment, or you equip Privatization Commission, or you co-opt members on a permanent basis, जो कि बहुत ही professionally इन चीज़ों को CPEC 2 क्या है, क्या investment आनी है, किस sectors में आनी है, sectoral analysis हो रहे हो, आप दुनिया को दिखा रहे हो कि यार ये किताब है हमारी, आप जाएं जिस मुल्क ने ये किया है उसको स्टडी करें। कतर ने बहुत अच्छी तरह किया है, इसी तरह सर्कमवेंट किया है उन्होंने अपने सेटअप को और उन्होंने एक स्पेशल सेटअप बनाया है जो कतर में ये इन्वेस्टमेंट लाता है और उन्होंने वहाँ पे आई थिंक प्रोफेशनल सेटअप को लाने की जरूरत। यहीं पे फिर आपको कनेक्ट करना है टू द लोकल एंटरप्रेन्योर। ये मैं क्यों कहता हूँ, देखिए दुनिया में ऐसा नहीं होता कि मैं एज अ सरकारी मुलाजिम जाके कनेक्ट करता फिर हूँ सैमसंग से। अब आप पूछेंगे मैंने सैमसंग की मिसाल क्यों दी। वियतनाम $72 अरब के पार्ट्स एक कंपनी को बेचता है साउथ कोरिया में, उसका नाम है सैमसंग। सो वियतनाम इज़ लाइक अस, राइट? आई मीन कॉटन, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स, और अब देखिए कि वो एक कंपनी को इतने पार्ट्स दे रहा है। हमें ज़रूरी नहीं है कि हम मोबाइल फ़ोन ही बनाएं पाकिस्तान में, बाहर से चीज़ें मंगवा कर असेंबल कर कर फ़ोन बनाना कोई ऐसी काबिलियत की चीज़ नहीं है। बाहर से गाड़ियों के पार्ट्स मंगवा कर उनको असेंबल करके पाकिस्तान में बेचना कोई ऐसी काबिलियत की चीज़ नहीं है। काबिलियत ये है कि क्या मैं सैमसंग के वो पार्ट्स बना सकता हूँ जिससे मैं $72 अरब तो नहीं चलें कुछ अरब डॉलर की एक्सपोर्ट बना सकूं। यहाँ मेरा जो लोकल एंटरप्रेन्योर है, जो लोकल बिजनेस पर्सन है, वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कनेक्ट इन लोगों ने जाकर करना है उनके साथ। मेरे मुल्क के एम्बेसडर ये लोग बनेंगे और ऐसा नहीं है कि इनमें पोटेंशियल नहीं है। बात यह कि इनके पोटेंशियल को आपने कभी पनपने नहीं दिया, इसलिए कि फाइनेंसिंग जब भी जा रही थी तो बड़ों के पास जा रही थी, मरात जब भी आ रही थी तो बस आ रही थी, तो लार्ज स्केल से हम नीचे देख ही नहीं पाए। सो अब मैंने तो आपके सामने एक सोच रखी है, आप इस सोच को कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं, पर इस सोच को रखने के लिए आपको एक प्रोफेशनल सेटअप से डिस्कशन करनी पड़ेगी, वरना ऐसा ना हो कि आप मुझसे 4-5 साल बाद गुफ्तगू करें तो मैं यही कहूँ कि वही 5 घर और वही 8 सेक्टर और वही बड़े सेक्टर और हम निकल नहीं सके उनमें से। ये है पाकिस्तान की रियल इंडस्ट्रियल पॉलिसी अगर आपने कभी लिखनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। मुल्क मुस्तहकम मईशत की तरफ गामजन, स्टॉक एक्सचेंज भी मुस्बत रुख दिखाने लगा। मईशत की सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। हम IMF के कर्जा मिलने के बाद इस सूरत हाल को बेहतर मजीद कैसे कर सकते हैं? कर्ज बहाली के रोशन इम्कान,
बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियां, महंगाई से परेशान आवाम के लिए उठाई आवाज। रिपोर्टर और इक्तसादी माहिरीन के सबसे बड़े पैनल के साथ बोल की मिशन मईशत की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 63% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर। अगर 21वीं सदी की हम इंडस्ट्री की कोई बात करें तो उसमें फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो टॉप पर आती है। अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए बोल आवामी मसाइल को उजागर करने में सबसे आगे। देखिए बोल की अगली ट्रांसमिशन में मोबाइल लोन ऐप का बड़ा स्कैम कैसे हुआ बेनकाब। साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां, लैक मिलिंग में मुलविस ऑनलाइन लोन ऐप्स के 9 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अगर इस स्कैंडल से मुतालिक आपके पास हैं हकायक तो बनिए बोल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा। आपकी शनाख्त और तमाम तर मालूमात खुफिया रखी जाएंगी, तो बस हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप करें 03370317। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।